रूम का हालत देखो पहले। रूम जो है रूम कुछ इस तरीके का हो गया पूरा एकदम। कि अगर आप पुष्कर होली खेलने के लिए आ रहे हो तो किन सारी बातों को ध्यान रखना है, होटल आपको कहाँ ढूंढना है। होटल वाला आदमी ऐसा होना चाहिए कि जो प्यार से बुला के घर लेके चला जाए। तो देख लो होटल वाला जो है अपना वाला। एक साल पहले मैं गया था मथुरा, अभी आ गया पुष्कर, अब इससे अगले बार जाऊंगा वाराणसी। तो ये लिए बहुत बेस्ट जगह है, नाच गाना से लेकर के कपड़ा फाड़, लोगों की चड्डियाँ ये उड़ रही थी भाई। मैं तो मतलब चप्पलें ऐसी रॉकेट की तरह उड़ रही थी, और वो पता नहीं किसके सर पे गिर रहा था, क्या हो रहा था। उस अंदर जो है ना, वो मेला ग्राउंड के अंदर जाने के लिए जिगरा होना चाहिए। यही सब सीन रहे, कोई उंगली कर रहा है पीछे से। चलो भाई, 14 नंबर ऊपर वाला बर्थ है। दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत तगड़ा सो गया था भाई अपने होटल में, कल होली था और आज जो है थोड़ा सा मतलब है ठीक है। मतलब रूम का हालत देखो पहले, रूम जो है रूम कुछ इस तरीके का हो गया पूरा एकदम। तो भाई देखो, होली में ना रूम का रेट थोड़ा महंगा रहता है, बस इसी सब के लिए। मतलब रूम थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं ये लोग, है कि नहीं। देखिए साफ़ सफाई करने में कितना मेहनत लगता है। देखिए यहाँ भी देखिए रूम ऐसा रहता है, और जब होली रहता है ना तो इतना गंदा हो जाता है रूम कि मतलब पूछो ही मत। तो वही सब सफाई वफाई करने के लिए थोड़ा सा रेट वगैरह जो है लोग बढ़ा देते हैं। तो अब आज इस जगह से मैं निकलने वाला हूँ अपने वापस दिल्ली, अपने गंतव्य स्थान, फिर वहाँ से जम्मू हो सके तो जाएंगे। और आज मैं वैसे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा कि अगर आप पुष्कर होली खेलने के लिए आ रहे हो तो किन सारी बातों को ध्यान रखना है, होटल आपको कहाँ ढूंढना है। पुष्कर की होली से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। होटल वाला आदमी ऐसा होना चाहिए कि जो प्यार से बुला के घर लेके चला जाए। तो देख लो होटल वाला जो है अपना भाई जो है करण, इसको मैं ऊपर बुलाया था तो कुछ मतलब कर रहा था, तो ये अब सीधा अपने घर लेके जा रहे हैं। घर ही ना, हाँ घर लेके जा रहे हैं। अच्छा, किराए पे? हाँ, भाई का भी लव मैरिज शादी हुआ है। चलो मिलते हैं घर पे। बढ़िया यार, ये अपना नौजवान सवाल। अच्छा, बउआ दिखाने लाया है, वाह ठीक है। देख लो यही बस है अजमेर से पुष्कर के लिए, और बस निकल रहे भाई अब इस अजमेर बस स्टैंड से, सॉरी पुष्कर बस स्टैंड से। भाई भूल ही जाता हूँ, देख लो भैया। पीछे वाला जो बस देख रहे हो इलेक्ट्रिक बस, तो पुष्कर से सीधा आया अम्बेडकर चौराहा, और वहाँ से ये बस लेके पहुँच चुका हूँ स्टेशन। तो स्टेशन पहुँचने के बाद थोड़ा आपको बताते हैं कि पुष्कर अगर होली खेलने आते हो तो किन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं अजमेर रेलवे स्टेशन। ये पीछे आपको बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म नंबर वैसे 2 है, इस साइड में 1 है। तो अपनी ट्रेन जो है 2 पे आने वाली है, तो मैं थोड़ा आधा घंटा पहले पहुँच गया था। तो मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और थोड़ा इसी जगह पर रुकते हैं। तो भाई अब मैं बताता हूँ, पुष्कर अगर आप होली खेलने आ रहे हो तो आपको किन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और कैसा माहौल रहता है पुष्कर का, तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा बहुत नहीं, इसको डीपली ही लेना। मतलब अगर मज़ेदार होली खेलना है तो मज़ेदार होली पुष्कर में ही होती है। जैसे आप अगर होलिका दहन के दिन आ जाओगे तो होलिका दहन से यहाँ पे जो है माहौल बनना शुरू हो जाता है। होलिका दहन से 4 बजे शाम से जो है माहौल बनना शुरू हो जाता है, नाच गाना से लेकर के हर कुछ का मज़ा जो है इस जगह पे मिल जाएगा। और पुष्कर में नॉनवेज वगैरह बंद रहता है, दारू वगैरह बंद रहता है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जो है कहीं कहीं से ले आते हैं, मतलब नशा तो चाहिए भैया होली के दिन, तो बहुत सारे लोग ले आते हैं। तो उन सब बातों का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ अगर करना है तो आप लोग पहले से ले आ सकते हैं। गाजा भांग भी इस जगह पे थोड़ा मिलता है, लेकिन कॉस्टली मिलता है, क्योंकि इस सब जगहों पे जो है वो सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये सब तो मनोरंजन की बातें हो गई, लेकिन मज़ेदार जो है होली पुष्कर में बनती है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। आप बनारस भी मत जाओ, आप मथुरा भी मत जाओ, आप पुष्कर आओ, पूरा मज़ा मिलेगा। ये पुष्कर का 2 दिन आपको ऐसा लगेगा कि साल का पूरा दिन मैंने बिता लिया भाई। पुष्कर इतना मज़ेदार जगह है भाई, इस जगह पर लड़की भी सेफ़ है। इस जगह पर आप अगर अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो, अपनी बहन के साथ आ रहे हो, तो आप सब कुछ भूल जाओगे। लोग बदतमीजी नहीं करते इस जगह पे, ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और लोगों का क्रेज़ इतना बढ़ गया है इस जगह पे, पुष्कर में या फिर बनारस में या फिर मथुरा में,
तो इन सारी जगहों पे इतना क्रेज बढ़ गया है कि सब जगहों पे ना इतना सारा क्राउड हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पुष्कर में तो खासकर बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी, मतलब नॉर्मली, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राउड आपको वृंदावन में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा। ये सब जगहों पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, और इतना क्राउड हो गया कि वहाँ पे लोग नीचे दब जा रहे हैं उस गलियों में। पुष्कर में तो चलो ठीक है, कम है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड भी बनाया गया है, आपको मज़े लेना है तो उस जगह पे जाइए, 3-4 बजे तक मज़े लीजिए, और फिर वापस जो है अपने शाम होते होते अपने घर चले जाइए, होली के दिन ही अपने घर चले जाइए अपने ट्रेन वगैरह पकड़ के। तो भाई बहुत मज़ेदार जगह है पुष्कर, लेकिन मान गए, अब 1 साल पहले मैं गया था मथुरा, अभी आ गया पुष्कर, अब इससे अगले बार जाऊँगा वाराणसी, तो यही सब चलेगा। वैसे ज़िंदगी इसी का नाम है, घूमते फिरते रहिए, मज़ा लेते रहिए, और जो आपको एक्सपीरियंस हो वो शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप लोग व्यूवर्स हैं तो आप लोग को भी पता चले कि कितना मज़ा आता है यार, मतलब बाहर में होली मनाने में। सारे जगत के लोग, विश्व विख्यात जो बोलते हैं जगह को, तो सारे विश्व के लोग जो है फॉरेनर लोग इस जगह पर आते हैं होली मनाने के लिए, और हम लोग फॉरेनर के साथ होली मनाते हैं। फॉरेनर तो पहचान में भी नहीं आते हैं होली खेलने के बाद, क्योंकि रंग इतना रंग में वो लोग भंग जाते हैं, क्योंकि उन लोग को वो लोग भी नहीं पहचान में, तो सारे एक जैसे लगते हैं रंग, मतलब लगने के बाद। तो बहुत पुष्कर मेरे को बहुत अच्छा जगह लगा। आप अगर पुष्कर आ रहे हो, अगर आप होली के दिन भी आ रहे हो, अगर रात में आपने दिल्ली वगैरह से ट्रेन लिया रात में, और दिन में यहाँ पे 10-11 बजे तक आ गए, यहाँ पे 10-11 बजे मज़े लो, 3-4 बजे तक आराम से मज़े करो, इन्जॉय करो, फुल एकदम रैंडम मचा दो, उसका 3-4 बजे तक यहाँ से जो है खाना पीना खा के फ्रेश वगैरह होके नहा के निकल जाओ इधर से। तो यही सब सीन है। अब मैं भी इधर से जो है, खैर मेरा तो अब दूसरा दिन है पुष्कर से, अगला दिन है मेरा, अब इस जगह से मैं अपने गंतव्य स्थान मतलब दिल्ली चला जाऊँगा, फिर वहाँ से जम्मू चला जाऊँगा, तो ये सब सीन रहेगा। अब फिर जम्मू के बाद नया एपिसोड चलेगा, बाइक का सीरीज चलेगा, तो वो सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी मेरी ट्रेन आ जाए और ट्रेन में बोर्ड करूँ और सीधा दिल्ली निकलते हैं, और क्या, बहुत मज़ेदार। लेकिन पुष्कर अगर आओगे भाई, आओ, अगले साल भी आओ, थोड़ा रश हल्का सा कम रहता है वृंदावन के हिसाब से, लेकिन मज़ा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको मैंने 2-3 वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, आप एक बार देखो, मैंने होलिका दहन का भी वीडियो डाला है, मैंने होली का भी वीडियो डाला है, और मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पुष्कर आओ होली मनाने के लिए, बहुत बेस्ट जगह है। नाच गाना से लेकर के कपड़ा फाड़, लोगों की चड्डियाँ ये उड़ रही थी भाई, मैं तो मतलब चप्पलें ऐसी रॉकेट की तरह उड़ रही थी, और वो पता नहीं किसके सर पे गिर रहा था, क्या हो रहा था उस अंदर जो है ना, वो मेला ग्राउंड के अंदर जाने के लिए जिगरा होना चाहिए भाई। मैं भी गया था फोन वगैरह रख के, मैंने खूब एकदम इंजॉय किया, मज़े लिया, और फिर वापस जो है बाहर निकला, फिर उसका खाना पीना खाया, होटल में जाकर सो गया। पता नहीं वो इससे पहले वाला वीडियो मैंने एंड करा या नहीं, वो भी याद नहीं है, लेकिन भाई मज़ा बहुत आया। बिना नशा के भी उस जगह पर आप नशे में रहोगे, ये ऐसा जगह है। चलो भाई, अब इस जगह से मेरी ट्रेन आ जाए, आपसे सीधा ट्रेन में मिलते हैं, या फिर दिल्ली स्टेशन मिलते हैं, और क्या, यही सब चलेंगे। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। यही अपनी ट्रेन है, कोई दौड़ई एक्सप्रेस करके है ट्रेन, मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेशल ट्रेन है वैसे ये, होली स्पेशल इस ट्रेन को बोला गया है, दौड़ई टू नागपुर, देख लो यहाँ लिखा है होली स्पेशल ट्रेन। यही है ट्रेन भैया, इसी ट्रेन में जो है चढ़ते हैं और बस दिल्ली उतर जाएंगे, यही सब सीन रहेंगे। कोई उंगली कर रहा है पीछे से, चलो भाई, 14 नंबर ऊपर वाला बर्थ है, 14 नंबर ऊपर का बर्थ है भाई, बाप रे। चलो भैया, अपनी ट्रेन जर्नी जो है गुड़गांव में ख़त्म हो गई भाई। व्यवस्था तो है इस जगह पे, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए जो है यहाँ पर व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया। चलो ट्रेन अपनी गुड़गांव पहुँच गई है, कल सुबह में यहाँ से दिल्ली निकल जाएंगे, फिर जम्मू भी निकलना है, यही सब रहेगा। अब इसके बाद आपको जम्मू का वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है, कश्मीर का वीडियो मिलेगा। तो चलो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तभी बुला सकते हैं।